कैसी लगी मूवी आपको? इट्स वेरी अमेजिंग मूवी, फैंटास्टिक, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। डायरेक्टर जो फिल्म है, फिल्म अच्छी बनी है, विजुअल्स बहुत ही अच्छे हैं, नो डाउट अबाउट इट। मतलब मुझे याद आ रहा था, आपने सुना होगा एक टाइम था हिंदुस्तान की कसम कह के फिल्म आई थी 95 अजय देवगन की, 95-96, तब से लेकर अब तक देखे तो बॉलीवुड यहाँ से यहाँ पहुँच चुका है। मैं वो दिखाया गया है फिल्म में। क्या रेटिंग देना चाहेंगे? 10 में से 10। ठीक है, कैसी लगी मूवी आपको? इट्स वेरी अमेजिंग मूवी, फैंटास्टिक, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। क्या अच्छा लगा सबसे ज्यादा आपको? What? क्या अच्छा लगा आपको? मुझे जो पुलवामा अटैक का जो स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करी गई थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। क्या रेटिंग देना चाहेंगे 10 में से? मुझे तो 4 out of 5। 10 में से? 10 में से 8-9। बेटा आपको कैसी लगी मूवी? कैसी लगी बताओ। ओके सर, कैसी लगी मूवी? बढ़िया मूवी है, बढ़िया। सर कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी। पसंद आई सर? हां, पार्ट टाइम। कैसी लगी सर मूवी? बढ़िया बढ़िया भाई। कैसी लगी? बहुत फाड़ भाई, बहुत फाड़, मजा आ गया बहुत ज्यादा। कैसी लगी भाई मूवी? बढ़िया। पूरा मजा आया फिल्म में। क्या अच्छा लगा सबसे ज्यादा? ये अच्छा लगा जो देश के ऊपर बनी हुई है सबसे बड़ी बात, एयरफोर्स का जो काम है वो दिखाया गया है फिल्म में। क्या रेटिंग देना चाहेंगे? 10 में से 10। दस में से दस ठीक है। कैसी लगी? बिल्कुल सही। पसंद आई सर? पैसा वसूल है? कैसी लगी भाई? ठीक है, अच्छी है फिल्म। मजा आया आपको? मजा आया। कैसी लगी भाई मूवी? बढ़िया, एक नंबर है भाई, एक नंबर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगी। मजा आया अंकल जी? देशभक्त वाला मूवी, जबरदस्त था, जबरदस्त था मूवी, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। ऐसी फिल्में खूब बननी चाहिए। मजा आया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी फिल्म है भैया, लाजवाब, बेहतरीन। कैसी लगी भाई मूवी? बढ़िया भाई, बेहतरीन भाई। कैसी लगी मूवी? सही, बढ़िया। कैसी लगी मूवी? कैसी लगी सर मूवी? जबरदस्त, ऑसम, मजा आया सर, बहुत बढ़िया, बहुत। कैसी लगी सर मूवी? जबरदस्त, ऑसम, मजा आया सर, बहुत बढ़िया, बहुत। सर कैसी लगी मूवी? बहुत बढ़िया। मजा आया सर? बहुत बढ़िया। कैसी लगी भाई मूवी? मूवी एक नंबर, एकदम बेहतरीन। क्या अच्छा लगा सबसे ज्यादा आपको? और सबसे ज्यादा जो हमारे देश के ऊपर जो इन्होंने बात करी है, जो पुलवामा के ऊपर रोशन का एक्शन भाई साहब उसका जबरदस्त एकदम, उसी वजह से तो हम मूवी देखने आए। वार के बाद एक से एक कर रहा है एक्शन, लेके आ रहे हैं हमारे ऋतिक भाई, उनके 10 में से क्या रेटिंग देंगे? 10 में से? और मैं तो कहता हूँ सर 10 में से 10 ही रेटिंग दूंगा, क्योंकि एक्शन एकदम फाड़ू दिया उन्होंने। सर कैसे लगी मूवी? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। क्या अच्छा लगा सबसे ज्यादा इसमें? ऋतिक रोशन पादुकोण की एक्टिंग कैसी थी? बकवास, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। नहीं, बहुत अच्छी। सर कैसी लगी मूवी आपको? ठीक लगी। क्या रहा अच्छा इसमें? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी है। हाँ सर, ये कैसी लगी मूवी आपको? सही है यार, एक बार के देखने लायक है बस। ठीक ठाक आपको कैसी लगी? ठीक लगी, ठीक लगी। क्या अच्छा है आप क्या बता रहे हैं? देश के ऊपर जो दिखाया बस फर्स्ट क्लास। एक मिनट रुकिए सर, कैसी लगी मूवी? बढ़िया एकदम। क्या अच्छा है इसमें? देशभक्ति पे मूवी, देशभक्ति पे, एक्शन फुल है जी, मजा आया, पैसा वसूल है? पैसा वसूल है, पैसा वसूल है, 300। कैसी लगी सर आपको? सही फिल्म तो मूवी बढ़िया लगी। आपको कैसी लगी सर? कैसी लगी? जबरदस्त पिक्चर ये जो बनाई गई है, एक्सपेक्टेशंस काफ़ी थी हमारी, सोच रहे थे एक देशभक्ति की पिक्चर होगी, पर कहीं उन मापदंडों पर ये पिक्चर खरी नहीं उतरती, क्योंकि देशभक्ति का पुट कम है और अंग प्रदर्शन जो अभिनेत्री है उसका ज़्यादा दिखा दिया, तो वो जो एक मैच हो पाया वो नहीं हो पाया। और अंदर जो एक इमोशनल हो जाते हैं लोग, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वो कनेक्ट नहीं कर पाई ऑडियंस से ये पिक्चर। आपका कोई सवाल हो? इससे पहले और भी मूवीज आई है, पठान, जवान, क्या उसका मुकाबला कर पाएगी ये कमाई के मामले में अगर देखा जाए? देखिए पठान और जवान जो आपने बात करी वो फिर इन डायरेक्टर की पुरानी पिक्चर्स के बारे में पूछा है आपने, तो पठान और जवान का जो फैन बेस था, दोनों में शाहरुख खान साहब थे, वो फैन बेस ऋतिक साहब का नहीं है अभी, तो उसका मैच कहीं से कहीं तक भी ये पिक्चर नहीं कर पाएगी। और आपको भीड़ भी बता रही होगी, आज तीसरा या चौथा दिन है पिक्चर को, लंबा वीकेंड है, तब भी हॉलों पे भीड़ नहीं आ पा रही, क्यों तो पिक्चर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे लोग। तो कुल मिला के आप रेट कितना देना चाहेंगे? आउट ऑफ 5 2 देंगे। अगर दीपिका पादुकोण इस पिक्चर में ना होती तो शायद ये पिक्चर अच्छा कर पाती। अच्छा, कोई रोल ही नहीं है कोई रोल ही नहीं है
जय हिंद और वंदे मातरम की पिक्चरों में आप अंग प्रदर्शन कर रही हो। नहीं, एक और पॉइंट है पुलवामा अटैक वगैरह, वही हम कहना चाहते हैं कि एक तरफ तो आपने पुलवामा अटैक दिखा दिया, साइड बाय साइड आपने दिखा दिया कि दो पायलट आपके पाकिस्तान में फंस गए, जबकि जो रियल करेक्ट था कि आपका अभिनंदन वर्धमान, एक साइड आप पुलवामा अटैक दिखा रहे हो जो आपको रियल लगता है कि हाँ जी ये रियल उस पर बनी है, इंसिडेंट पर बनी हुई मूवी है, बट लेटर ऑन जब आप सेकेंड हाफ में मूव करते हैं तो पिक्चर इसलिए बोर हो जाती है क्योंकि वहाँ पर लगता ही नहीं है कि इंडियन पायलट्स वाकई में दो लोग, ऐसी कोई स्टोरी थी ही नहीं। और उस टाइम पर जिस समय पर यह हुआ, अगर दो पायलट इंडिया के वहां होते और जिस तरीके से दिखाया गया कि उनको रोक के रखा गया या उनको टॉर्चर किया गया, तो पाकिस्तान आज नक्शे में ही नहीं होता। स्टोरी कनेक्ट नहीं कर पा रही, दर्शकों को बांध के नहीं रख पाएगी ये मूवी। एंड आई विल रेट 3 out of 5। और दीपिका पादुकोण का कोई रोल नहीं है पूरी मूवी में। आप ये वीडियो मूवी जो बनी है, जैसे आप दर्शाया गया था पुलवामा अटैक वगैरह, जो आप कनेक्ट करने की बात करें, तो आपको दिक्कत किस चीज़ से, कनेक्ट नहीं कर पाए इस चीज़ से दिक्कत है, या इंडिया पाकिस्तान का वही स्टोरी दिखा दिया कि इंडिया पाकिस्तान में सिर्फ वॉर का, यही स्टोरी जो मालूम है ना, जो रियल स्टोरी लोगों को पहले ही मालूम है, आपने उससे हट करके साइड लाइन बना दी। या तो आप कहीं बिल्कुल रियल लाइफ ही रखते हैं तो फिर आप पुलवामा अटैक रखिए ही मत बिल्कुल, एक साइड आपने पुलवामा अटैक डाल दिया तो वो दर्शकों को कहीं ना कहीं रियल लगने लगा। पूरा का पूरा नहीं, एक्शन अगर मैं बोलूं तो ऋतिक रोशन का एक्शन 10 out of 10 जबरदस्त है। एंड ऋतिक रोशन का रोल बिल्कुल एकदम दर्शकों को बांध के रखता है, जो एक्शन मूवी पसंद करते हैं वो ठीक है, बट दीपिका पादुकोण का पूरी मूवी में कोई रोल ही नहीं लगा कि ऐसा कुछ होना चाहिए था, उनको जबरदस्ती उसमें मूवी में डाल दिया है। एंड सेकेंडली, जो पुलवामा अटैक रख करके फिर सेकेंड हाफ में आपने एक रील वाली मूवी बना दी कि बिल्कुल ही कोई रियल से कोई कनेक्ट ही नहीं है, तो वो सब बेकार है। मतलब आप सुपर हिट नहीं आने वाली ऐसा लग रहा है। नहीं, दर्शकों की भीड़ देखिए ना, आज 26 जनवरी की कल छुट्टी थी, आज सैटरडे संडे है, एक्सपेक्टेशन होती है, खाली पड़ा है हॉल, अंदर सीटें खाली पड़ी थी। आप इतनी बड़ी पिक्चर से एक्सपेक्ट करते हो कि अंदर सिद्धार्थ आनंद जो इतने बड़े डायरेक्टर बन गए हैं, आप एक्सपेक्ट करते हो कि अंदर सीटें खाली होंगी, रोज की स्टोरी डालते हैं बजट वो काम किया गया है, पर जब एक पिक्चर ऑडियंस से ही कनेक्ट नहीं कर पा रही, ये मल्टीप्लेक्स की ना तो पिक्चर है ना सिंगल स्क्रीन की है, और ये पिक्चर अभी थोड़े दिनों में कमी रहेगी। राइट, इससे तो बेहतर है आप अभिनंदन वर्धमान वाली रियल स्टोरी आप इसमें इनपुट करते तो शायद ज्यादा आपकी मूवी चल पाती। और इससे ज्यादा किस लिए लिया गया इस पिक्चर में, क्या कर रही है वो इस पिक्चर के अंदर, कहीं ना कहीं तो दिखाने की कोशिश की जाती है एक्ट्रेस, कुछ रोल ही नहीं है बनता। और पता है एक तो रिपीटेटिवनेस होती जा रही है, वही जैसे मोहम्मद और वही पाकिस्तान, तो कुछ हाँ लोग यस, अब कुछ नया चाहिए बॉलीवुड को। हाँ, जी, मेरा नाम आशीष है और मैं दिल्ली से हूँ। आपका नाम सर? गौरव उपाध्याय, मैं गाजियाबाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हैं। जय जय सर, मूवी देख क्या रहे? हाँ जी भैया, हाँ थोड़ी सी रिव्यू देखिए, कैसी लगी सर आपको? बढ़िया थी मूवी, बहुत अच्छी। क्या अच्छा लगा? लोग तो कह रहे हैं कि वही घिसी पिटी कहानियाँ हैं। नहीं, पुरानी फिल्मों में दिखाई जाती थी पाकिस्तान का और इंडिया का जो वॉर होता है। नहीं ऐसा नहीं है, ओवरऑल अच्छी पिक्चर थी। ओवरऑल अच्छी। कितना रेट देंगे आप? 5 5 5। फाइटर जो फिल्म है, फिल्म अच्छी बनी है, विजुअल्स बहुत ही अच्छे हैं, नो डाउट अबाउट इट। मतलब मुझे याद आ रहा था, आपने सुना होगा एक टाइम था हिंदुस्तान की कसम कह के फिल्म आई थी 95 अजय देवगन की 95 96, तब से लेकर अब तक देखे तो बॉलीवुड यहाँ से यहाँ पहुँच चुका है। अब अच्छी बात ही है, अब इसमें बुरी बात क्या है वो सुने। देखिए, आपको अगर दिखाना है तो आप सच्चाई दिखाएं ना। ये इन्होंने पूरा बालाकोट जो हुआ था, अभिनंदन वाला जो हिस्सा, वो पुलवामा अटैक, फिर बालाकोट हुआ, स्ट्राइक हुआ, तो उसमें जो अभिनंदन वाला हिस्सा था उसके ऊपर बनाई है। तो आप सच्चाई के पास रहे ना, आप सच्चाई से हटके इसको इन्होंने पारिवारिक बना दिया। इन दीपिका पाडुकोण के उसका कोई रोल नहीं है, दीपिका पाडुकोण का उसके परिवार की कहानी चल रही है, ऋतिक रोशन की अपनी कहानी चल रही है। भाई अभिनंदन कहाँ गया? जो सच्चाई है वो दिखाना है आपने। अगर उरी उम्मीद लेके गए तो उन पर खरी नहीं उतर रहा है यार। उम्मीद जो लेके गए यार, उम्मीद पता है क्या है, आप जब ऐसी फिल्में बता रहे हो ना, उम्मीद आपकी आपका जो बेंचमार्क है वो सेट हो चुका है उरी पे। आप उरी का देख के जाते हो, हाउस जोश, हाय सर, मतलब वो एक वो वाली फिल्म फैक्टर नहीं आ रहा। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, ऋतिक रोशन भाई बहुत फाड़ लग रहा है, एयरप्लेन वाले सीन बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट वो उरी वाला फैक्टर या जो बॉर्डर में हमने जो देखा है, मतलब यार आप रहो तो कहानी, या तो आप फिर इंडिया पाकिस्तान बोलो ही मत, कोई नए मुल्क के अलग अलग नाम दे दो कुछ पूरी, अगर आपने फिक्शन ही बनानी है तो अगर रियलिटी दिखाओ तो रियलिटी के पास रहो और उसमें फिर जोश भरो जो उरी में दिखाया था। जैसे एयरपोर्ट में आपको दिखाया गया है, हाँ इसमें कंफर्टेबल लाइफ दिखाई, इसमें जैसे वैसा होता नहीं है रियल लाइफ,
को दर्शाया नहीं गया कहीं। यार एयरफोर्स की अपनी बात है, उनकी प्राइवेट लाइफ है, यहाँ कंफर्टेबल तो नहीं दिखाया। हाँ थोड़ा मतलब पार्टी वार्टी वो सब ज़्यादा दिखाते हैं, वो तो चलो एयरफोर्स के इंटरनल मैटर है, उसमें हम क्या ही कमेंट करें, दैट्स आर इंटरनल इंस्टीट्यूशन थिंग। मेन जो है आप यहाँ पे जिस एपिसोड के बारे में आप फिल्म बना रहे हो उस एपिसोड को तो दिखाओ कम से कम। आपने यहाँ पे उस एपिसोड का हार्डली 25% आपने दिखाया है, या चलो 40% आपने दिखाया, उसके बाद बाकी का 60% पूरी फिक्शन है। तो दैट शुड नॉट बी द केस मेरे हिसाब से। आप क्योंकि आपका बेंच मार्क है उरी, अगर उसके बाद भी जो फिल्म है ये वो अरे वो कौन सा था वो वाली फिल्म कौन सी थी, नहीं शाहरुख नहीं, पठान वठान यार, अरे बहुत अच्छी फिल्म थी इसकी अपने सिद्धार्थ मल्होत्रा की, केआर आडवाणी के साथ था जो फिल्म आई थी, शेरशाह जो फिल्म आई थी, उसमें कितनी अच्छी तरह से उन्होंने दर्शाया हुआ एकदम रियलिटी के पास। तो वो आपका बेंचमार्क बन चुका है बॉलीवुड, आपसे अब ऑडियंस बॉलीवुड से वो मतलब वो आए तो फिर ऑडियंस तो एक्सेप्ट भी करेगा। अब इन्होंने जैसे नाम लिया पठान हो या टाइगर जिंदा हो, वो तो यार अब वो तो एनिमेशन बन चुकी है ना, वो तो लग रहा है कार्टून देख रहे हैं, ठीक है। ये इन्होंने क्या किया, सच्चाई और कार्टून के बीच में एक डाल दिया है, ठीक है, अब देखने में अच्छा है। सोच के कुछ और जा रहे हैं। हाँ मतलब आप इसको उरी या शेरशाह उस लेवल की मत समझिए, उस लेवल की मत समझिए। आपको कितना रेट देंगे आप? 5 में से अलग अलग फैक्टर्स में अलग रेट दूंगा। अगर आप विजुअल की बात करते हैं तो 5 में से 4.5 या 4.9 रहते हैं। विजुअल्स तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और अगर आप कहानी की बात करें या डायरेक्शन की बात करें तो 3 कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है कि जो इसमें एक्शन हो गया, चाहे इसमें वॉकिंग हो गया, कुछ भी कॉपी है, ये टॉम क्रूज के साथ ऐसा लग रहा है कॉपी नहीं है, नहीं यार उसमें अब यार देखिए नहीं यार उसमें मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये ना ये क्योंकि वो एक हॉलीवुड की एक बेंचमार्क फिल्म है, ठीक है, वो एयरफोर्स के ऊपर एक फिल्म है, अब इंडिया एक एयरफोर्स के ऊपर फिल्म बना रहा है, ये तो नेचुरल सी बात होगी ना कि यार कि हाँ यार ये उसका वो वहाँ से कॉपी किया होगा, ये ऐसे कॉपी नहीं है यार, दोनों फिल्में एयरफोर्स के ऊपर बेस्ड है, अलग अलग फिल्म है। अब कल को कोई क्रिकेटर अच्छा खेल रहा है मतलब ये थोड़ी है कि वो सचिन तेंदुलकर को कॉपी कर रहा है, भाई सचिन तेंदुलकर अपना सचिन है, वो सचिन रहेगा अपना, ठीक है। अब इसकी ये कंपैरिजन आई डोंट थिंक सो दैट्स राइट। इसकी जो आप क्रिटिसिज्म है मैं वो आपको बोल चुका हूँ कि इसमें जो है आप रियलिटी से बहुत हट चुके हो, बहुत ज़्यादा हट चुके हो। जो ऑडियंस की जरूरत है फिलहाल आगे किसकी बदलाव की जरूरत है, आगे कुछ और कहानी इस तरह की नहीं, अगर या तो आप पूरा कार्टून बना दीजिए वो पठान और टाइगर वैसा, आप या तो पूरा कार्टून बनाइए या तो आप रियलिटी के पास रहिए, जैसे शेरशाह हो गया उरी हो गया, बीच में करके एक खिचड़ी मत बनाइए, मतलब आप उसको यार एक मतलब जो एपिसोड था उसका सिर्फ मैं बता रहा हूँ 30-40% है। हम वो सोच रहे थे कि चलो यार अब ये होगा, उन्होंने चलो कॉन्वॉय पे अटैक कर दिया, अब गए अभिनंदन वाला पूरा सीन ही नहीं दिखाया। अरे भाई अभिनंदन गया वहाँ पे, फिर इंटरनेशनल प्रेशर पड़ा, इमरान खान ने उसको रिलीज करा, ये सब दिखाने के कुछ ये सब डेफिनेटली उनके पार्लियामेंट में ये बात उठ चुकी है कि टांगे कांप रही थी, भाई दिखाते ना टांगे कांपते हुए। तो यहाँ पे तो आपने मतलब वो करके, अब आज इंटरनेट का जमाना है, आप देखे इस फिल्म को लेके फिर ट्रोलिंग स्टार्ट होगी, या तो आप रियलिटी दिखाइए कि सामने वाला बंदा चुप ही हो जाए फिर उसको ट्रोल करने, ये फिल्म में ट्रोलिंग सच्चाई सबको पता है, पहले सच्चाई सबको पता है ना यार, वहाँ पे इसके इन्होंने जो दिखाया वो रियलिटी नहीं है, पर लोग इसको रियलिटी का एक्सपेक्टेशन लेके जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का जो बेंचमार्क है वो उरी और शेरशाह पे टिक चुका है। बस लैंग्वेज में ही बात आ रही थी कि थोड़ी जबान थोड़ी सही है, बाप बाप है, बेटा बेटा है, इस टाइप से। हाँ वो यार अब देखिए वो बात ये है कि बेटा बेटा है करके वो डायलॉग नहीं है, बाप बाप वाला डायलॉग है। तो हाँ तो उसमें तो डेफिनेटली अगर एक मिनिस्ट्रियल पॉइंट से आप बात करें तो मिनिस्टर्स तो ऐसे बात करते नहीं है, वो तो चलो वो मैं एक मिनट के लिए छोड़ भी दूंगा, जो राइटर जो डायलॉग राइटर था वो उसने जोश में आके लिख दिया, इट्स ओके, वो मैं एक मिनट के लिए छोड़ भी दूंगा। मेरा जो मेन है कि आप रियलिटी से भटक गए वो ना करें, स्पेशली व्हेन देयर आर फिल्म्स बेस्ड ऑन थीम्स विच आर क्लोजर टू नेशनल इंटरेस्ट, तो आप रियलिटी से ना, या तो आप रियलिटी दिखाइए या तो आप बनाइए, या तो उसको पूरा पूरा कार्टून कर दीजिए, जैसे वो पठान हो गया, टाइगर 3 हो गया, अभी भी कुछ और आएंगे, जैसे या तो जॉन अब्राहम जैसे बनाते हैं फिल्में, या तो पूरा कार्टून ही बना दीजिए, हम भी जा रहे हैं भाई चलो कार्टून देखने जा रहे हैं, वरना आप उसको रियलिटी में रखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।